जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हरियाणा जल गया, नफरती भाषणों की वजह से हरियाणा जल गया, नफरती डिबेट्स की वजह से हरियाणा जल गया। वहीं जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना करने की वजह से हरियाणा जल गया। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद भजन दल के लोगों ने ऐलान किया था कि हरियाणा के मेवात में हम शोभा यात्रा निकालेंगे। वही शोभा यात्रा निकालने से पहले कुछ वीडियोस भी, भड़काऊ वीडियोस सामने निकल कर आई, और उसमें एक वीडियो निकल कर आई मोनू मानेसर की। मोनू मानेसर वही शख्स है जिसने जनवरी में जुनेद और नासिर की हत्या कर दी, यानी उन मोनू मानेसर के ऊपर हत्या का आरोप है कि इस शख्स ने राजस्थान के जुनेद और नासिर की हत्या की है। राजस्थान की पुलिस ने 302 के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया, गिरफ्तारी करने की कोशिश की, पर 6 महीने से फरार है। पर आए दिन खुलेआम ये वीडियोस डालता रहता है, इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुसलमान 6 महीने से गुस्से में है और मांग करता रहा है कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इसने वीडियोस डालकर ये कहा था कि मैं शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा और सभी से आग्रह किया था कि आप भी शोभा यात्रा में आए और शामिल हो। वहीं कुछ वीडियोस ऐसी थी कि चैलेंज कर रहे थे मेवात के लोगों को, कह रहे थे कि जीजा जी आ रहे हैं, जीजा जी ससुराल आ रहे हैं, पहले ही बताकर आ रहे, कभी बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। यानी खुलेआम मेवात के लोगों को चैलेंज दिया जा रहा था। इसी वजह से दो समुदाय के बीच में हिंसा फैल गई। नफरत डिबेट्स की वजह से भी हिंसा फैली है, नफरती भाषण की वजह से भी हिंसा फैली है। और जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, डिबेट्स करते हैं, नफरत भाषण देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से भी हरियाणा जल गया। हरियाणा के कई जिलों में आग लग गई, जल गया दो समुदाय के बीच में, और ज्यादा नफरत हो गई। अब दोस्तों बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है, और ये मांग, बड़ी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा, पर जब ये पता चला है कि मोनू मानेसर की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पर और जहां जहां हिंसा फैली है वहां पर जब मीडिया बात कर रही है लोगों से, तो यही बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर की वजह से वहां पर हिंसा फैली है। मोनू मानेसर की वजह से हिंसा फैली है तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसको लेकर हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या बड़ा बयान दिया है, आप खुद ही सुन लीजिए। जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहां है कोई इनपुट हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। दोस्तों आपने मनोहर लाल खट्टर जी का बयान सुन लिया, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में मोनू मानेसर के ऊपर केस दर्ज है, जुनेद नासिर की हत्या का आरोप है, राजस्थान पुलिस उसको आके गिरफ्तार करे। राजस्थान पुलिस आए हरियाणा में, उस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करे, हरियाणा के पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए मदद करेगी, सहयोग करेगी राजस्थान की पुलिस का। अब देखना यह है कि राजस्थान की पुलिस कब आएगी, कब मोनू मानेसर को गिरफ्तार करेगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हरियाणा की पुलिस सहयोग करेगी राजस्थान की पुलिस का, क्या वो सिर्फ जबान से ही बोल दिया है, मुंह से ही बोल दिया है, या फिर खड़े भी उतरेंगे अपनी बात पर, यह आने वाला टाइम बताएगा। पर देखना यही है कि कब तक गिरफ्तारी होती है, और मांग यही है सभी लोगों की कि जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। वही दूसरी बात यह भी उठती है कि मोनू मानेसर 6 महीने से फरार है, उसके ऊपर 2 लोगों की हत्या का आरोप है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है? या तो कानून बना दो आप देश के अंदर, दो कि मोनू मानेसर जैसे लोग अगर अपराध करेंगे,
तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और जो आम जनता है वो अपराध करेगी तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। क्या तो आप देश के अंदर कोई ऐसा कानून लिया है, कुछ कोई ऐसा कानून बना दे कि मोनू मानेसर जैसे लोग अपराध करेंगे, किसी की हत्या कर देंगे, कोई बड़ा अपराध कर देंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और आम जनता अगर वही अपराध करेगा करेगी तो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। जबकि देश में सिर्फ एक ही कानून है, वो कानून यही कहता है कि कोई भी हो, कितनी भी छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पर हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसको ये नहीं देखना चाहिए वो किसी पद पर बैठा है या कोई बड़े मंत्री नेताओं से उसका ताल्लुकात है। कानून संविधान तो यही कहता है हमारे देश का कि किसी भी पद पर आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसने अपराध किया तो उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। चलिए, मनोहर लाल खट्टर जी कह तो रहे हैं कि सहयोग करेगी राजस्थान पुलिस का हरियाणा पुलिस, अब देखना यह है कि कब तक गिरफ्तारी होती है। आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।